मैम आप आ गए? हाँ बोलो मैम, जो आपका लास्ट ऑर्डर था ना उसका इनवॉइस आया है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओके। बहुत अकड़ दिखाती हो ना मैडम, सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। मेरा नाम भी रजनी है, गलत जगह पंगा ले लिया आपने तो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मेरा चेक क्लियर कर दीजिए, मुझे अर्जेंट नीड है। मैम ये अमाउंट बड़ी है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्लीज आप बाहर बैठिए, करवाता हूँ मैं। थोड़ा जल्दी करवा देंगे सर? हाँ ठीक है मैम, करवाता हूँ। 1 करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट, और ये नाम भी प्रीति का चेक, उसको क्या जरूरत पड़ गई इतनी, पहले पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ प्रीति, 1 करोड़ की क्या नीड आ गई तुम्हें, चेक लगवाया तुम्हारा? मैंने तो कोई चेक नहीं लगवाया है। अभी चेक आया है मेरे पास। 1 करोड़? हाँ 1 करोड़ का। ओके रुको, मैं बैंक आके बात करती हूँ। हाँ जल्दी आओ तुम, मैंने उनको बैठा के रखा है बाहर। हाँ आ जाओ। सर मेरे पैसे तैयार है, सर कैसे भी करके जल्दी से जल्दी दे दीजिए, मुझे अर्जेंट है, बहुत भीड़ है। मैम ये बहुत बड़ी अमाउंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब प्लीज बैठिए, लड़का लेके आ रहा है, बैठिए आप। सर थोड़ा जल्दी करवा देते। बस आ ही रहा है मैम। हाँ मुकेश, तुम बुला रहे थे? मैम आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम आप इतना घबरा क्यों रहे हो, प्रीति ने तो चेक दिया है ना आपको। रजनी मैंने तुम्हें कब दिया चेक? वो मैम। ओके अब मुझे याद आया, मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी में थी। अरे यार बोल तो रही हूँ, तेरी डील क्लोज करवा दूंगी। जब देखो फोन पे लगी रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। गुड मॉर्निंग, सॉरी मैम। काम तो मैं अब बनाऊंगी, ऐसा हाथ साफ करूंगी ना, याद करेगी मैडम। और तुमने चेक पे साइन करवा लिया? ऐसी क्या कमी मैंने छोड़ी थी जो तुम्हें इतने बड़े फ्रॉड करने की नीड आ गई? 1 करोड़, तुम्हें पता है 1 करोड़ कमाने में कितने टाइम लगते हैं? और तुम पे मैंने इतना भरोसा किया, तुम्हारे रहने के लिए बंगला, घर, सैलरी सब कुछ मैंने दिया, इवन अभी लास्ट महीने मैंने तुम्हें एक ओडी भी दिया है, उसके बावजूद तुम इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि बैंक वाले जानने वाले हैं, अदरवाइज तुम तो 1 करोड़ रुपए लेके फरार हो जाती और मुझे पता भी नहीं चलता। अच्छा किया रजनी तुमने, मैंने तुम्हारे साथ इतना भला किया और तुम गद्दारी कर रही हो, किस चीज का बदला निकाल रही हो? सॉरी मैम, गलती हो गई, मन में लालच आ गया था। लालच? लालच का कोई इलाज नहीं होता रजनी, अब तुम्हें जेल होगी। जेल? नहीं मैम, मैम प्लीज माफ कर दीजिए मैम, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं मौका ही नहीं दूंगी तुम्हें। अब तुम जाओगी जेल और सलाखों के पीछे पूरे जीवन रहोगी, तब तुम्हारे अकल ठिकाने आएगा। हेलो, ये सिंगापुर? हाँ ले जाइए उनको, फोन को आ गई है।